हेलो एवरीवन, हेलो ऑल दी एमएनएस प्लस नीट एस्पिरेंट्स 2023, राइट। जैसे कि हम लोग आज यहाँ पे टोटल रिव्यू लेने वाले हैं क्लासेस का बाय द सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, और मैं और मेरे साथ ज्वाइन करेंगे रिजवान सर, जो कि फिलहाल एचओडी साइंस की तरह बच्चों को बायो बहुत साल से डिलीवर कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। थैंक यू मैम। हम लोग जैसे कि नीट प्लस एमएनएस की जो हमारी क्लास चली है उसमें हम लोग आज सिर्फ मेनली हम लोग का टारगेट है कि हम लोग जो हमारे बच्चे हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो हमारी जो टीम एफर्ट कर रही है उनका क्या रिजल्ट आ रहा है, बच्चों का क्या जो है फीडबैक है, उससे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। वन टू वन हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास में जो कि डिफरेंट स्टेट से बच्चे हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, कैसा रह रहे हैं, कैसा उनका एनवायरनमेंट यहाँ पे है, उसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हेलो, माय सेल्फ तान्या, यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम केरला। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज दुर्गा मुरलीधरन। योर नेम इज दुर्गा मुरलीधरन, यू आर फ्रॉम केरला? यस। ओके, सो यू शिफ्टेड फ्रॉम केरला टू यूपी, हाउ यू फीलिंग राइट नाउ हियर? First time it was not okay because of the climate and all that, but now it's okay. Okay, so you are finding something different about the climate, nothing much. Mm, you are residing presently in the hostels provided by the academy, right? Yes. How was the environment there? Good, fine. Okay, if I ask you something to describe about the environment, that what is, what are the differences that you feel that you are from, away from your home, away from your state, is there any? Yes, first time that I am coming out from our outside from my place. You are staying away from your parents for the first time. Yeah. So it's the first hostel experience for you. Yes. As we see, ki hostel is a very terrible thing to talk about. Is it so? I think there is a happy environment in the hostels. It is a happy environment. So you are feeling comfortable at the academy? Yes, I am comfortable. Is the environment appropriate? Yes, appropriate. You are happy with the situations? Yes. Okay. Thank you, बेटा. So अभी हमने दुर्गा से बात की. She is from Kerala. Now we'll move to the next student, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द सिटी से आए हुए हैं. We'll move to the next student. I want to ask certain question from you, beta. What's your name first of all? My name is Sati Simran. I'm from Bihar. You are from Bihar. Yeah. Okay. You shifted from Bihar to UP for the first time? Yes. How you came to know about the MNS examination? By the YouTube and online Google. Okay. So you are referring to the online platform provided by the academy, yeah, and you get to know from there only. Yeah. Right? So you are a regular viewer of the academy online content. Yes. Okay. So kya aapko content mein best part laga? I was in main Hindi mein matlab. Exactly. You can talk in Hindi, even I can also. Okay. Aapko usme sabse acha kya laga? हमको उसमें ये अच्छा लगा कि हमको जीके में सब बहुत प्रॉब्लम होता था, तो ये एमएनएस के लिए जीके और इंग्लिश वगैरह कम्युनिकेशन के लिए okay. सो यू आर टॉकिंग अबाउट, सॉरी मुझे हिंदी में बात करनी है. आप ये मत बोलना कि मैम आप भोजपुरी में बात करो, बिकॉज एज फैकल्टी हमें ये दो लैंग्वेजेस कंफर्टेबल है. ओके, सो आप बोल रहे हो कि आपको जीके में ज्यादा कंपैटिबिलिटी आई एज वेल एज इंग्लिश, राइट, जो कि एमएनएस में एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है. ओके, थैंक यू. सो अभी हमने बात की सती से, शी इज फ्रॉम बिहार. उससे हमने रिव्यूज जाने कि हाउ शी गेट टू नो अबाउट द एकेडमी एंड द कंटेंट जो उसको बेस्ट लगा. नाउ विल मूव टू द थर्ड स्टूडेंट. आई लाइक टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम यू. सो विल मूव टू द नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, जिससे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज तपस्विनी पटनायक एंड आई एम फ्रॉम ओडिशा. ओके, यू आर फ्रॉम ओडिशा. सो यू शिफ्टेड ओडिशा टू यूपी, राइट? How do you came to know about the MNS exam? Because मुझे लगता है कि ये नीट वीट की तरह इतना पॉपुलर एग्जाम अभी तक कंट्री में नहीं था जब तक ऑनलाइन कंटेंट सेंचुरियन ने नहीं दिया था, राइट? सो हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट इट? मैंने अपने फ्रेंड से सुना था इसके बारे में, फिर मैंने ऑनलाइन देखा, तो उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो भी इंफॉर्मेशन आए, फिर मैंने यूट्यूब में देखा, तो फिर एक क्वेश्चन जो मैंने बाकी दोनों स्टूडेंट से पूछने की कोशिश की और अब मैं आपसे पूछूंगी. सो जो मैंने अपने बाकी दोनों स्टूडेंट से पूछने की कोशिश की, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और शुड आई स्पीक टू हिंदी, विच इज मोर कंफर्टेबल? हिंदी. हिंदी इज मोर कंफर्टेबल टू यू? ओके, तो मैंने जो दोनों स्टूडेंट से पूछने की कोशिश की, अब मैं आपसे पूछूंगी कि हाउ इज द शेड्यूलिंग एंड द क्लास स्टफ इज डिफरेंट हेयर फ्रॉम द अदर्स? Class scheduling is good. We spend more time in academy, and the faculties here are very experienced. And if you are comfortable in Hindi, be relaxed. Talk in Hindi. We are also comfortable.
हाँ बहुत फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत कोऑपरेटिव हैं और मतलब डाउट सेशंस भी रहते हैं और हम कुछ भी डाउट हो तो हम उनसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हूँ। आई नाउ हैंड ओवर द माइक टू रिजवान सर जबकि आगे का इंटरव्यू सेशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। चलिए तो जैसे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्टेट से बच्चों से बात हो रही है हम लोग की, तो अब हम लोग फिर आगे देखते हैं और कुछ बच्चों से बात करते हैं। तो चलिए ठीक है, चलते हैं हम लोग। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलो बच्चे आप स्टार्ट करते हैं। तो आपका नाम क्या है? सर माय नेम इज अनन्या तिवारी, आई एम फ्रॉम बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया, अच्छा बलिया की फेमस क्या चीज़ है? सर बाटी चोखा। बाटी चोखा कभी आपने खाया? यस सर। अच्छा कैसा लगता है? सब बहुत टेस्टी होता है। ठीक है, तो यहाँ का एनवायरनमेंट कैसे लग रहा है आपका? सेंचुरियन में कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है सर, सब कुछ सही है इधर पे। डिसिप्लिन के बारे में बताइए। डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट है सर इधर पे। तो जैसे इंटर करते हैं तो सबसे पहले मुलाकात किससे होती है? पांडे सर। पांडे सर, पांडे सर, तो पांडे सर क्या करते हैं? सर डिसिप्लिन इंचार्ज है वो। डिसिप्लिन इंचार्ज है तो मतलब ठीक है, कोई क्लास में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता? नो सर ऐसा नहीं होता, आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी होती है। कितने घंटे की क्लास चल रही है इस टाइम? 5 घंटे की क्लासेस चल रही है। 5 घंटे की क्लास, मतलब अब सेंचुरियन में कैसा लग रहा है आपको? फील कैसे आ रहा है पहले की कंपेयर में जब आप आए थे और इस टाइम की बात करें तो कैसा लग रहा है? अब भी ज्यादा सही है सर। अब ज्यादा स्कोर कैसे हो रहे हैं? अच्छे आ रहे हैं, मतलब इम्प्रूव हो रहा है पहले से। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आप बताएं अपने बारे में बताएं। हाँ ठीक है। सो माय नेम इज सोनी कन्याल एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड से यहाँ तक किसने बताया, किसने इन्फॉर्म किया कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अच्छी है, आपको यहाँ पे आना चाहिए? सर एक्चुअली मेरे को नीट एमएनएस 2023 की प्रिपरेशंस करनी थी और फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया, सो द फर्स्ट नेम दैट इज सजेस्टेड मी वाज सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, देन आई टॉक टू माय पेरेंट्स, देन दे सेड यस यू कैन जॉइन, दैट इज अ वेरी गुड एकेडमी। मॉक टेस्ट कैसा चल रहा है आपका? सर हमारे हर सैटरडे संडे को एक मॉक टेस्ट रहता है, दैट इज़ सिमिलर टू द नीट पैटर्न, दैट इज़ ऑफ 720 मार्क्स और उसमें हमारे जितना भी स्कोर आता है वो हमारे स्कोर बोर्ड में लगता है और उसके बाद जो हमारी फैकल्टी है इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट के लिए, वेदर दैट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें हमारा जो स्कोर रहता है पहले तो हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर हमको क्या प्रॉब्लम्स हुई और हमारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होते हैं। ठीक है, ठीक है। और रैंक क्या आ रही है अभी आपकी? सर टॉप 10 में आ जाती है। टॉप 10, ओके। चलिए तो जैसे इंटरेक्शन हम लोग का हो रहा है उसके आगे हम लोग और कुछ बच्चों से जानते हैं, तो चलो आप जो है पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आई एम अंजलि सिंह फ्रॉम सिटी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। अच्छा आजमगढ़, ठीक है, तो आजमगढ़ अगर देखें तो आजमगढ़ से यहाँ तक आप कैसे आए? सर मेरे को क्या चीज़ अच्छा लगा सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के, क्या चीज़ अच्छी लगी? सर यहाँ की फैसिलिटी, फैकल्टी मेंबर्स जो थे बस सर बहुत ही अच्छे, तो पढ़ाते मतलब कि मतलब उन लोगों को देख के ये हुआ कि मतलब कि यहाँ पे एमएनएस की प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है। अच्छा ये बताइए फिजिक्स, जैसे फिजिक्स का जो है वो प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो फिजिक्स की प्रॉब्लम के लिए जो हमारे पास जो दोनों टीचर हैं वो कैसे अब डाउट आपका कैसे क्लियर कर रहे हैं? सर मतलब कि जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके पास ले जाने के बाद मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब वो मना करें, अगर आपको जितनी बार प्रॉब्लम आती है वो उतनी बार बताते हैं वो लोग। अच्छा तो मम्मी पापा से दूर रह के मम्मी पापा की याद नहीं आती है? आती है सर, पर अब प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं तो। ठीक है, मेन टारगेट हमारा क्या है? सर एमएनएस है। एमएनएस, एमएनएस हम लोग को क्लियर करना है ना, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, और क्लासेस वगैरह कैसे चल रही है यहाँ की? सर रेगुलर क्लासेस चलती हैं। कितने घंटे की क्लास चल रही है वैसे? सर 5 आवर्स। और टेस्ट कितने घंटे का होता है? सर 3 आवर्स। 3 आवर का। और रैंक कितनी आ रही है इस टाइम क्लास में? सर टॉप 20 में आ जाती। टॉप 20 में। सो अभी सर ने बाकी बच्चों का इंटरव्यू कवर कर लिया है, नेक्स्ट विल मूव टू दी अदर स्टूडेंट, हम उनसे जानेंगे कि वो कहाँ से हैं और फिलहाल कैसी चल रही है प्रिपरेशन। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सौम्या सिंह, आई एम फ्रॉम रायबरेली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। ओके, तो यू आर रेसिडिंग इन हॉस्टल्स? यस मैम। अच्छा तो हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग नाउ टिल डेट, कि अभी तक आप नीट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और आपको क्या उम्मीद है आपके नेक्स्ट ईयर रिजल्ट पे? मैम अभी तक तो पहले से बेटर है परफॉर्मेंस, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और अच्छा परफॉर्म करूं अपने रिजल्ट पे। ओके, तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम नीट 2023? मैम 600 प्लस। गुड, दैट्स द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट द एस्पिरेंट शुड हैव फॉर द नीट एग्जाम, राइट? तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द नेक्स्ट स्टूडेंट। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रितिका पाल। यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश।
ओके, यू आर फ्रॉम मध्य प्रदेश. यस. तो आप भी काफी दूर से ट्रैवल करके सेंचुरियन ज्वाइन किए. यस मैम. अच्छा, तो व्हाट आर द बेस्ट क्वालिटीज आर यू फाइंडिंग राइट नाउ हियर? Everything is best here. Like I will say, for hostels, facilities are good, mess is good, and the comfortable zone we are finding there. Studying, we are all comfortable with our studies because everyone is there who is interested in studies. They came with their aim here, like whatever. So they have to. Yes. Goal setting is the yes, best part. Exactly. Okay. Yes. Anything else? Yes, everything is going well. Everyone is doing group studies by which we can clear our doubts properly, and I can say that for teachers also, like everyone is interested to clear each and single doubt of ours, like physics. Every student. Yes. Okay. क्योंकि physics और chemistry is the subject जिससे बहुत ही dreadful सा situation रहता है medical aspirants के लिए. Yes, ma'am. है ना? Okay. Thank you, बेटा. तो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट बच्चे के पास चलते हैं. तो इस रूम में हम बात करते हैं. पहले तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. माय नेम इज आचल चौधरी फ्रॉम लखनऊ यूपी. ठीक है, तो अभी टेस्ट में स्कोर आपके क्या हो रहे हैं? सर अभी तो टेस्ट में स्कोर मेरे अच्छे ही जा रहे हैं. अभी रैंक क्या है वैसे? रैंक फर्स्ट है. प्रीवियस 4 to 5 टेस्ट में अगर देखें तो रैंक आपकी क्या रही है? मेरी सारे टेस्ट में रैंक फर्स्ट ही है. रैंक फर्स्ट रही है ना? तो सब पहले सभी लोग क्लैपिंग करें. ठीक है, तो रैंक फर्स्ट लाने के लिए अभी क्लास में लगभग स्कोर कितना हो रहा है आपका? मेरे लास्ट टेस्ट में गए थे 482 आई थिंक. 480 के आसपास. ठीक है, 480 प्लस है. तो उसके लिए स्ट्रेटजी आपकी क्या हो रही है? सर स्ट्रेटजी तो मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत खास अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, और बायो तो ज़्यादा ही अच्छा है. नहीं, टेस्ट के लिए आप कैसे प्रिपरेशन करते हो? टेस्ट के लिए प्रिपरेशन फिर बस जो क्लासेस में चल रही हैं चीज़ें उस पर ज़्यादा फोकस करो, और जाके क्वेश्चंस लगाओ, और जो टीचर्स ने पढ़ाया उसका रिविज़न करो, ये सारी चीज़ें बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं. तो अभी आपका टारगेट क्या है? वैसे तो नीट का मेरा टारगेट 650 प्लस ही है. 650 प्लस. ओके, ठीक है. ओके, थैंक यू. तो फर्स्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करें पहले. सर माय नेम इज ज्योति सिंह, आई एम फ्रॉम प्रयागराज. ओके, प्रयागराज. और पहले नाम था उसका? सर उसका नाम इलाहाबाद था पहले. सबसे पहले ये बताइए कि अभी आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? सर मेरी प्रिपरेशन गुड चल रही है. एक्चुअली प्रीवियस रिजल्ट्स आर नॉट दैट मच गुड, बट राइट नाउ आई एम ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ. अभी रैंक कितनी आ रही है आपकी? सर रैंक इज नॉट दैट मच गुड, इट्स 12th और 10th, बट आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ. ओके, गुड. जैसे मोटिवेशन का लेवल अगर आपका कम होता है तो yes, फिर क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है? सर एक्चुअली आर सर इज शिशिर सर, हु ऑलवेज केम इन आवर क्लास, एंड व्हेन ही विल गेट टाइम, एंड ही ट्राई टू मोटिवेट अस. ओके, और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आते हैं आपकी क्लास में yes, तो वो उससे क्या बेनिफिट मिलता है आपको? सर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आते हैं वो आके हमें अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि एज आई से दैट एनडीए का रिजल्ट आया है अभी, तो काफ़ी लोग रिकमेंड हुए हैं, तो वो आके अपना बताते हैं कि उन्होंने जीटीओ ग्राउंड में क्या फेस किया, हमारी कैसी स्ट्रैटेजीज रहनी चाहिए, हमें कैसे वर्क करना चाहिए, तो हमें वो काफ़ी मोटिवेट करता है और पुश ऑन एक करता है कि हम भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं. तो जैसे कि हमने सारे एमएनएस एस्पिरेंट्स के जो कि एमएनएस प्लस नीट 2023 के प्रिपरेशन सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी में कर रहे हैं उनके रिव्यूज़ देखे, राइट. इसके बाद हम लोग आगे इसी तरीके के सेशंस में इसी तरीके से एक इनसाइट व्यू ऑफ द एकेडमी एंड द एनवायरमेंट विल प्रोवाइड यू इन द अपकमिंग सेशंस. इसके आगे सर आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि आप जो है मिनी इंडिया का थोड़ा सा जो नमूना है जो है उसको आपने देखा, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो नीट प्लस एमएनएस की जो हमारी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से उनकी प्रिपरेशन चल रही है. उनका हॉस्टल का हम लोग रिव्यू लिया, उनका टेस्ट कर लिया, बाकी क्लासेज कैसे चल रही है उसके लिए हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इन लोग का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो. तो बस यहाँ तक, बाकी सेशन हम लोग के ऐसे आते रहेंगे. ओके, थैंक यू एंड जय.